चलो आई वॉज थिंकिंग कि मैं लिमिट्स को फिर से स्टार्ट कर दूं क्या, क्योंकि उस दिन बहुत डिसरप्शन हुआ था, तो फिर से पूरा पढ़ा दूं। यस सर ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग अगेन। भाई क्या हर क्लास में कहना पड़ता है, कोई नहीं दिख रहा मुझे संकल्प के अलावा। अच्छा, तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो पहले हम लिमिट्स की बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव्स के बाद आएगा। और लिमिट क्या होता है, दैट आई टोल्ड द डेफिनेशन। लिमिट का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू अ पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू अ पॉइंट। हम वेरी क्लोज का मतलब है कि वेरी वेरी क्लोज, इतना क्लोज कि मतलब 3 के क्लोज 2.9 नहीं है। वी आर सेइंग कि 3 के क्लोज है 2.9999999999000 बार लिख दो, इतना क्लोज है। ठीक है, तो व्हेन वी आर सेइंग कि लिमिट इज टेंडिंग टू 0, तो इट इज ऑलमोस्ट 0, 0 के बहुत ही पास है, ना के बराबर ही है वो। ठीक है, नाउ व्हाई डू वी नीड लिमिट, वी नीड लिमिट बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। सो इन दैट केस वी टॉक अबाउट लिमिट, कि चलो उस पॉइंट को तो नहीं डिफाइन है फंक्शन, बट उसके बहुत पास देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो दैट्स हाउ वी सी द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक फंक्शन में ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट अस से 2x+3। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट सपोज x इज इक्वल टू 5। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस फंक्शन की 5 के बहुत पास वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ एंड वी विल सी कि 5 के अगर हम पास जाते हैं, x की वैल्यू अगर 5 के पास जाती है, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही होगी। अच्छा, तो हमने अगर 5 के पास जाते हैं तो हम देख लेते हैं 5 के पास मतलब ऐसा कुछ है क्या, 4 इज क्लोज टू 5, और पास भी जाके देख सकते हैं 4.5 पे देख सकते हैं, और पास चले जाएं 4.9 पे देख सकते हैं, और पास चले जाएं 4.999 पे देख सकते हैं, और पास चले जाएं तो 4.999999 यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने देखा कि यार जब ये x हो गया और ये एफ एक्स हो गया, जब x की वैल्यू 4 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करके देखो तो 11 हो जाएगी, 2x+3, 4.5 पे वो 11.5 हो जाएगी, 4.9 पे 11.9 हो जाएगी, 4.999 पे 11.999 हो जाएगी, और 4.9 पे 11.9 हो जाएगी। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि जैसे जैसे x की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच कर रही है, 5 के पास जा रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 5 पे 13 होना चाहिए यार, 4 पे 11 है, 4.5 पे तो मैंने गलत कर दिया, सब लोग बैठे देख ही रहे हो बस। 4.5 पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 4.5 इंटू 2 हो गया 9+3 12 हो गई, 4.9 पे हो जाएगी ये 4.9 9.8 होता है, 12.8 हो जाएगा, एंड 4.999 पे हो जाएगा ये 4.9 is 9.8, तो 12.998 ऐसा हो जाएगा, और ये 12.999998 ऐसा कुछ। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि जैसे जैसे x की वैल्यू 5 के पास जा रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, किसके पास जा रही है फंक्शन की वैल्यू, 13 के पास, 13 के पास, 13 के पास जा रही है। वी कैन ऑब्जर्व दैट, तो हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू या वैल्यू ऑफ लिमिट क्लोज टू 5 और एट 5 इज 13। नाउ एक और अप्रोच भी यहाँ पर किया, 5 के पास जाने का सिर्फ एक ही तरीका थोड़ी ना है, 5 के पास तो हम दूसरे साइड से जा सकते हैं। अभी हम 4 टू 5 मूव कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं 6 to 5 भी तो हो सकता है, तो हम देख लेते हैं यार, देखो x के वैल्यू अगर 6 है अभी 5 से दूर है और 5 चलते हैं 5.5, 5.9, 5.1, 5.001, 5.00001, ये भी तो 5 के पास जाने का तरीका है। तो हम कह जब 6 थी वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू 15 थी, 5.5 पे 14 थी, 5.1 पे 13.2 थी, 5.001 पे 13.002 थी, 5.0001 पे 13.0002 थी। अगेन व्हाट कैन वी ऑब्जर्व कि जैसे जैसे x की वैल्यू 5 की तरफ जा रही है वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू अगेन तरफ जा रही है, तो यहाँ से भी लिमिटिंग वैल्यू जो इसकी है वो 13 है। तो जब हम किसी वैल्यू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, 5 के पास जा रहे थे हम 4 की तरफ से तो लेफ्ट साइड हो गया, तो उधर हम बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये हो गई उसकी राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा सा कम है बस 4.9999, तो इस तरह से लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ एक्स ये किस क्या क्या आ रहा था, 13 आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 plus fx = 13। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 13 है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 13, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे वी विल से लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी इन दैट केस वी विल से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो हम दोनों को कंबाइंड तरीके से लिख सकते हैं, हम प्लस माइनस ना लिख के सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 fx = 13। इसका मतलब है कि हाँ भाई दोनों तरफ से लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी लिमिट की वैल्यू 13 आ रही है, क्लियर है। सो हाँ सर, तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू में लिमिट में दे रखी होगी वही हम फंक्शन में डाल देंगे? हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट हाँ शुरुआत ऐसे ही करेंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे। लिख लिया सबने? एक मिनट सर, कार्तिक मैंने सुना नहीं, तुमने बोला नहीं कि हाँ सर, एक मिनट सर। अच्छा अच्छा बता दो। सर हो गया, हो गया सबका। चलो तो बात आती है कि यार लिमिट की वैल्यू निकालनी कैसे। तो जैसे स्नेहा ने पूछा कि आप जो लिमिट की वैल्यू जिस तरफ जा रही हो क्या वही वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें। पहला स्टेप यही है कि भाई अगर एक्स किसी वैल्यू के बहुत पास है तो वो रख के देख लो, अगर कुछ आंसर आ जाता है वेल एंड गुड है, ठीक है बिल्कुल सही है, और अगर आंसर कुछ और पर्टिकुलर फॉर्मेट में आता है तो हम बात करेंगे उसको कैसे हैंडल करना है। तो जैसे हम बात करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² - 4 upon x - 2, हमने कहा डायरेक्ट रख के देख लेते हैं या फिर एक क्वेश्चन और पहले कर लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² - 4 upon x + 2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² + 2 upon x + 2, और भी कर लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² + 2 upon x minus
ठीक है. Now we will start from simpler one. तो सबसे पहले तो हम ये थर्ड वाला देख रहे हैं. तो लिमिट एक्सटेंडेड टू है, हमने कहा सबसे पहले वैल्यू रख के देख लो. अगर मैं यहाँ वैल्यू रख के देखता हूँ, एक्स के टू पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा 6/4 जो कि हो जाएगा 3/2 विच इज 5. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, नो इश्यूज. अब मैं सेकंड वाले को देखता हूँ, यहाँ मैंने लिमिट की वैल्यू पुट की तो ये आ गया ऊपर आ गया 0/4. 0/4 तो 0 ही होता है, विच इज फाइन, नो इशू. ठीक है, नाउ यहाँ बात आती है जो लास्ट वाला है. इस वाले को अगर हम देखें तो अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 0. अब देखो ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट है. अगर 6 ये फंक्शन पहली बार तो 2 पर डिफाइन ही नहीं है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक्चुअली ये फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन क्या लिमिट 2 पर डिफाइन है? लिमिट हो जाती है, क्योंकि लिमिट का मतलब x 2 नहीं है, 2 से बहुत पास है. तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 6/ बहुत छोटी वैल्यू, और 6/ बहुत छोटी वैल्यू के आंसर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगा. यस सर, आएगा डेसिमल के बाद 1000 जीरो है, तो ऊपर तो 1000 पावर आ गई जो कि बहुत बड़ा आ गया, विच इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. लेकिन यहाँ पर एक कैच है. क्या कैच है? कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से फर्क पड़ जाएगा. कैसा फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं बात करूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2+, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 2.000 वाला, तो ऊपर तो 6 है, नीचे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी प्लस कोई बहुत छोटी वैल्यू जो कि इसको ले जाएगी किसकी तरफ? प्लस इंफिनिटी की तरफ. ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2-, 2 से थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, ऊपर तो अभी 6 ही आएगा, ऑलमोस्ट 6 है, वो 6 लिख देते हैं उसको, और ये माइनस में बहुत छोटी वैल्यू, 2 से थोड़ा छोटा है ना, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो बहुत छोटी वैल्यू नेगेटिव में, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव के आंसर नेगेटिव आएगा. तो एक तरफ से लिमिट जा रही है प्लस इंफिनिटी की तरफ और एक तरफ से लिमिट जा रही है माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर ये दोनों तरफ से प्लस इंफिनिटी जा रही होती तब भी दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. जब भी लिमिट इंफिनिटी की तरफ जा रही है, वी कैन नॉट कंपेयर इंफिनिटी विद इंफिनिटी, सो इट विल नेवर एग्जिस्ट. ठीक है, क्लियर है सबको? सिंपल है. अब इन सब क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आएंगे. नॉर्मल वाले नहीं आएंगे, डायरेक्टली रख दोगे तो फिर क्वेश्चन में करना ही क्या होगा. तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है. अगर हम 2 पुट करेंगे वैल्यू ऊपर और नीचे तो इट विल बिकम 0/0. दिस इज नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो ये सिचुएशन हमेशा आएगी, ऑलमोस्ट हमेशा आएगी, और तुम्हें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. तो जब 0/0 फॉर्म आ जाएगा, दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर. अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या है लिमिट की वैल्यू, तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर फैक्टराइज हो सकता है, x-2 x+2 upon x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, सिर्फ x+2 बचा. अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो. लिमिट की वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ नॉर्मल बन रहा हो, इंडिटर्मिनेट में तो कोई फायदा नहीं, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, अगर ये लिमिट नहीं लगी होती इस क्वेश्चन में तो ये फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं होता. कोई कहे कि नहीं हम x-2 से x-2 तब कैंसिल कर देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होता है. यहाँ पर सिंस लिमिटिंग वैल्यू है, 2 नहीं है, कोई छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू कैंसिल हो गई है. 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होगा. तो अगर लिमिट नहीं लिखा हुआ है तो इस फंक्शन के डोमेन में 2 नहीं होगा. दिस फंक्शन वोंट बी डिफाइंड एट x=2. समझ गए बात? सिंस लिमिट थी इसलिए ये कैंसिल हो गया, वी कुड कैंसिल दैट एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? यस सर. ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरम जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी, दैट इज फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर कभी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, उसकी कोई लिमिट पूछी जाती है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा. भाई 2x+3 इज अ पॉलिनोमियल, उसमें हमने लिमिट की जब लिमिट निकाली तो हमने देखा कि यार ये तो फंक्शन की वैल्यू ही आ रही है. हमने 5 पे जो लिमिट निकाली
वही आंसर तो इसको 5 पुट करने पे आ रहा था, डायरेक्टली वैल्यू रखने पे आ रहा था आंसर. तो फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन थ्योरम सेज कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. अगर तुम पॉलिनोमियल फंक्शन देखो तो सीधे लिमिट के वैल्यू पुट कर दो, दैट विल गिव यू द डायरेक्ट आंसर. ठीक है, लिख लिया. चलो अभी और लिमिट का क्या वेरिएशन हो सकता है. सो नेक्स्ट इट कैन डिफाइन अ फंक्शन पीस वाइज, पीस में फंक्शन डिफाइन कर दे तो हमें बस ऑब्जर्व करना होगा. मान लो कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू जब एक्स थ्री या थ्री से बड़ा है, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर जब एक्स थ्री से छोटा है. एक फंक्शन को पीस में डिफाइन कर दिया गया कि थ्री से बड़े पे एक डेफिनेशन है और थ्री से छोटे पर एक डेफिनेशन है, और हम कहेंगे फाइंड द लिमिट एट थ्री. तो अभी हमें नहीं पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी, तो हम इसको कॉमन नहीं बोलेंगे, हम अलग अलग सोचेंगे. ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री प्लस, तो बताओ मुझे फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन लेनी चाहिए, पहली वाली या दूसरी वाली? एक्स माइनस टू. कौन सी? दूसरी वाली. क्यों? थ्री प्लस में एक्स के लिए उसमें जा रही है. देख नहीं पा रहे हो क्या प्रॉब्लम है? थ्री प्लस में तो इस तरह से डिफाइन है ना, फंक्शन में एक्स थ्री से बड़ा हो तो पहले उल्टा कर रहा है. ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी है, भले ही थोड़ी सी बड़ी हो बट थ्री से बड़ी, डेफिनेशन तो कह रही है कि ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी. तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस में डेफिनेशन आएगी x प्लस 2. तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? सीधे 3 पुट करो, 5 आ गई. इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है 5 एट x इज इक्वल टू 3. अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी? 3 से कम पे कौन निचली डेफिनेशन है, सेकंड वाली, हो जाएगा 3x माइनस 4. और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 4 5 विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट. सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी विल से कि लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है, और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे फंक्शन के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू 5 है. ठीक है, अगर इक्वल नहीं आती तो हम कंबाइंड नहीं लिखते इसको. सर आपने ऊपर वाले में डायरेक्ट 5 लिया था, मतलब कि ऐसे नहीं करते 5.00 वाले. क्या आपने ऊपर वाले में डायरेक्ट 5 लिख दिया जब लिमिट 3 प्लस थी? हां, लिमिट वैल्यू पुट कर दिया. पॉलीनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ना, पॉलीनोमियल है क्योंकि. तो सर मतलब कि ऐसे लिखना जरूरी नहीं कि 5.001 ऐसे आ रही है. नहीं, वो सब नहीं लिखना है, सर समझाने के लिए था. ठीक है, चलो तुम लोग करो. एफ एक्स गिवन है से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 अपॉन एक्स माइनस 3 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, एंड एफ एक्स है 21 जब एक्स लेस देन 3 है. लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3. थ्री पर लिमिट फाइंड करो सब लोग. सर x ग्रेटर देन, जब 3 ग्रेटर देन x उसके सामने 21 लिखा है ना. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्लास 9th 10th के कांसेप्ट लगेंगे इसमें.
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? You only need to solve for right hand limit. Left hand limit तो सीधे दी हुई है, 3 से कम पे fixed value है, constant value है, तो इसके left hand limit तो सीधे ही सीधे 21 है. समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ मैं? मैं function define है, 3 से कम पे constant function है जो कि 21 है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है. Right hand limit निकालो, देखो क्या है कि right hand limit. एक बार इसे दोबारा समझा सकते? किसे? सर यही वाला जो भी आपने बताया सर. लेफ्ट हैंड लिमिट वाला? हाँ सर. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 3 से थोड़ा कम. 3 से कम पे फंक्शन कैसा डिफाइन है? जब x की वैल्यू 3 से कम होती है, डेफिनेशन है तो लिखी है फंक्शन की, जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू 21 है, फिक्स वैल्यू है. हाँ सर. 21 आ जाएगी, बात खत्म. सॉल्व नहीं करना. लोग आज क्यों गायब हो? माइका, आस्था, अनु, अर्पिता, तो एक बार शक्ल दिखा देते, धीरे कुछ बंद कर देते. हो गया आज का सर. राइट हैंड लिमिट तो 0/0 आ रही है. 0/0 आ रही, दैट मींस हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा. यस सर, सॉल्व हो गया. हो गया आगे सॉल्व सर? मतलब वैसे ही करना है, एक वैल्यू सोच के डिवाइड करके बाकी दो को निकालना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाइन्थ में ऐसे तो करते थे. देखो x is equal to 3 put करने पे 0 आ रहा है, तो क्या 9th के factor theorem याद आ रही है? या p of a is 0, then x minus a is a factor. x is equal to 3 put करने पे अगर ये 0 आ रहा है, that means x minus 3 का factor है, तो उसको factorize कर लो x minus 3 से divide करके. क्या factorize हो रहा है अंकल? सर अभी कर रहा हूँ. Limit extending to 3 plus पे क्या हो जाएगा? ये x cube minus x square माइनस 18 अपॉन एक्स माइनस 3 है. वैल्यू पुट करोगे, दिस इज 0/0 फॉर्म, जो कि हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा. फिर हमें 9th के फैक्टर थ्योरम से याद आ गया कि p ऑफ 3 0 आ रहा है, 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, दैट मींस x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा. उसको फैक्टराइज कर लो, डायरेक्टली हो रहा हो तो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो फिर डिवाइड करके करना पड़ता है. याद है लॉन्ग डिविजन मेथड? यस ये फैक्टर है तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3 और वहां पर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6. ठीक है, मैंने डिवाइड करके किया है, खुद से कर सकते हो ये. नाउ ये फैक्टराइज हो गया. देखो x माइनस 3 तो है जो ऊपर नीचे 0 बना रहा है. नाउ ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बस फिर से लिमिट के वैल्यू पुट कर देना. देखो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 21. तो ये राइट हैंड लिमिट भी 21 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, दैट मींस इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. मैं कुछ नया नहीं बताया है, वही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. सबको समझ में आ गई ये बात? सर एक बार ये राइट हैंड वाला समझा देंगे. जो हमने वैल्यू पुट करी डायरेक्टली लिमिट की, तो 0/0 आ रहा था, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, दैट मींस हमें आगे सॉल्व करना है. आगे हमें सॉल्व कैसे करना है? नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, वैसे नॉर्म ये फैक्टराइज ही रखा हुआ है, ऊपर वाले को हमने फैक्टराइज किया है. फैक्टराइज कैसे किया है? हमने देखा जब 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, कि 9th हमने पढ़ा हुआ है कि p ऑफ a 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर. अगर 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, दैट मींस x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा. तो हमने फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो दूसरा फैक्टर आ गया है. तो कैसे लिख दिया? x माइनस 3 कैंसिल हो गया है, एंड देन वी हैव पुट द लिमिट ऑफ द फंक्शन. तुम लोग क्लास में हो? मैंने एक बार भी नाम लिया तो किसी कोई रिस्पांस नहीं किया तुम लोगों ने. अर्पिता, आस्था, माइका, अनुप्रति. यस सर. यस सर. मैं नहीं देता एक बार में, कुछ कहा मैंने?
आ रही चीजें समझ में? ये एकदम बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लिखने लिखने में शो होता है कि लिमिट कैसे लिखें, धीरे धीरे आएगा, जस्ट फॉलो द रिदम. कर लिया नोट? Yes. See the next question. A function, it is defined as fx is equal to 2x plus k minus 4 and x minus k. Jab x is less than equal to minus 2 hai and jab x is greater than minus 2 hai. Okay? It is given that limit x tending to minus 2 fx exist, then find the value of k. कह रहा है माइनस टू पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है ना. अगर माइनस टू पे लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी, दोनों की वैल्यू निकालो एंड पुट देम इक्वल टू ईच अदर. बहुत सिंपल है, के वगैरह देख के डरना नहीं, लिमिट तो निकालनी, पॉलीनोमियल फंक्शन सीधे वैल्यू पुट करनी है. लेफ्ट हैंड के लिए कौन से साइड वाला फंक्शन वैलिड होगा, राइट हैंड के लिए कौन सा वैलिड होगा देख लो. हो गया थ्री आ रही, बाकी लोगों का हुआ? हाँ सर थ्री आ रही. जिनका नहीं हुआ वो लोग देखो कैसे लिखना है भाई. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस टू माइनस, लेफ्ट हैंड मतलब थोड़ा सा कम, ऊपर माइनस लगा दो. कौन सी डेफिनेशन लगेगी, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली. पहली वाली तो ये हो जाएगा 2x plus k minus 4. पॉलीनोमियल फंक्शन है, सीधे लिमिट के वैल्यू पुट करो तो x में माइनस टू पुट कर दो हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर माइनस एट हो जाएगा, k तो k रहेगा तो k माइनस एट आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू. राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस टू प्लस, माइनस टू से थोड़े बड़े पे बात हो रही है. दैट मीन्स दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन x माइनस k. पॉलीनोमियल फंक्शन है, सीधे लिमिट की वैल्यू पुट करो तो हो गई माइनस टू माइनस k. द क्वेश्चन सेज लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी. तो k माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू माइनस k, बस सॉल्व कर लो इसको. 2k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 3. आ गया. तो आपको मेथड के साथ एक लाइन के साथ सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिख सकते हो? डायरेक्ट को लिख दोगे यार, मेथड तो सॉल्व करना ही होगा. मतलब सब वैल्यू पुट कर दी माइनस टू में और इक्वल कर दिया तुमने तो एक ही तो लिखना है भाई. लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाओगे कहीं कि हाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है? स्टेप्स तो दिखा नहीं हो पा रहा है अभी? यस. अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक माइका. नहीं है अर्पिता, आ रहा है समझ में? यस सर. कहाँ थी अब तक? सर यही थी.
लग तो नहीं रहा। चलो नोट कर लिया ना सबने। चलो एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स जब एक्स 1 से बड़ा है, 1 जब एक्स इज इक्वल टू 1 है, एंड ए एक्स व्हेन एक्स लेस देन 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ए की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो ओरली हो जाएगा बट फिर भी लिख के करना था। टू आएगा, सिंपल है, सिंपल एज दैट। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस कौन सी डेफिनेशन लगेगी बताना? द लास्ट वाली। लास्ट वाली से कम है तो ए एक्स वाली लगेगी। पॉलीनोमियल में सीधे वैल्यू पुट करो तो ए आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? कौन सी डेफिनेशन? फर्स्ट वाली। सीधे वैल्यू पुट करो टू। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों इक्वल होंगी तो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये जो दे रखी है इससे हमें कोई मतलब नहीं जब लिमिट की बात हो रही है। लिमिट का मतलब होता है उससे बड़ा और उससे छोटा। एग्जैक्टली दे रखी है तो उससे उससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब नाउ गिविंग वन क्वेश्चन, जिसको समझ में आ गया वो ही कर पाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स। सर इस पिछले वाले में एक चीज पूछनी है कि सर ये ए एक्स वाला समझा देंगे? क्या नहीं आया बताओ? कि सर मतलब लिमिट तो है सर और वो 1 से कम भी है, मतलब जो हमारी वैल्यू कर रही है सर, टेंड कर रही है जिस तरफ सर, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कैसे आया सर? ये लिमिट के वैल्यू पुट कर देना, एक्स में 1 पुट कर दिया। सारे क्वेश्चन हम लिमिट के वैल्यू तो पुट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। देखो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या वैल्यू है इसकी। आया तो मेरा तो आया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्या क्या आई दोनों लिमिट्स? क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है? सर इक्वल नहीं आ रही है, मैं तो अजीब सा आ रही है। बताओ सर, माइनस 1 और 1 आ रही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मॉड एक्स सबको याद है, मॉड एक्स क्या होता है, कैसे खुलता है मॉड एक्स? मॉड एक्स सबको याद है, ये कितनी बार आ चुका है। मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार होता है प्लस एक्स, एक बार होता है माइनस एक्स। कब कब होता है? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, या जीरो पे भी मॉड एक्स बोल सकते हैं, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव हो। अभी जीरो पे लिमिट की बात हो रही है तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस,
जीरो माइनस हो गया तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो गई है? बहुत छोटी है लेकिन है तो नेगेटिव ही, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन एक्स. क्या ये माइनस वन हो गई लिमिट की वैल्यू? मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स. एक्स तो एक्स, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है तो एक्स ही है. ठीक है, लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो मॉड एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स और एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा वन. तो इसकी राइट हैंड लिमिट है वन, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस वन. दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, सर ये हो गया. अरे ये डेफिनेशन नहीं पता तुम्हें मॉड एक्स के फंक्शन की? मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब एक्स जीरो से छोटा होता है. अच्छा ठीक है सर. सबको आ गया? जब मैंने मॉड एक्स पहले बार बताया तो मैंने बताया था कि लोग परेशान रहते हैं मॉड एक्स को लेके. मॉड एक्स को समझना है अच्छे से. Yes, sir. ठीक है. Now let's see. Now let us come to some standard limits. हमारे syllabus में, वैसे मैंने last time भी बताया था, कुछ standard limits हैं. तो सबसे पहले standard limit है, that is limit extending to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a. This is equal to n a to the power n minus 1. देख लिया. मैंने कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे, फिर से कर लेते हैं. लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस 81 अपॉन एक्स माइनस 3. देखो ये क्या होगा. देखो ये इसी फॉर्म का है, जो स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी x टू द पावर माइनस 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1. तो 4 इंटू 3 टू द पावर 3. ये क्या तुम लोग छोटे बच्चे हो गए? 12 टू पावर 3 हो जाएगा ये. सर सर, फिर 4 की पावर थोड़ी ना 3 है जो बेस मल्टीप्लाई कर दिए. तो फिर 4 इंटू 3 टू पावर 3 इज 27, दैट इज 108. ठीक है, फिर मैंने ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी कराए थे, कुछ और कर लेते हैं. x to the power 10 minus 5 to the power 10 upon x to the power 4 minus 5 to the power 4. And of course, limit x tending to 5.
कर लिया किसी ने? अर्पिता आंसर बताओगे इसका? अर्पिता अर्पिता आर यू इन क्लास? सर नेट प्रॉब्लम, अब ज्वाइन किया वापस। आंसर बताओगे इसका? सर नहीं किया सॉल्व अभी। कैसे करेंगे ये बताओगे? यस सर। बताओ। सर पहले 5 इनटू 4 को सॉल्व करेंगे। 5 into 4, 5 into 4 कहाँ है? 5 to the power 4 कह रहे हो क्या? हाँ, 5 to the power 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब उसके वैल्यू निकाल देंगे। उसके वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर जो a की वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगा फिर। ये a की वैल्यू डायरेक्ट दे नहीं रखी है, यही तो होता है h to the power n minus a to the power n। हाँ, डायरेक्ट इसी से निकाल लेंगे शायद, n a raised to the power n minus 1। अपॉन x माइनस ए भी तो होना चाहिए, x माइनस ए है क्या यहाँ पर? नहीं। फिर अदिति बता सकती हो क्या? सर ऊपर तो सर 5 इनटू 5 की पावर 4 होगी और सर नीचे एक सेकंड कुछ कमी नहीं लग रही तुम लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसमें? भाई ये x टू द पावर n है और ये माइनस a टू द पावर n है, बट साथ में x माइनस a भी तो चाहिए होता है। क्या तुम्हें x माइनस a दिख रहा है कहीं पर? तो फिर इसमें फॉर्मूला थोड़ी लग पाएगा अभी। बट एक फायदा क्या है कि नीचे भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है, उसको भी x माइनस a चाहिए, दोनों को x माइनस a चाहिए, तो हम x माइनस a अपने एंड से दोनों तरफ अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? दोनों तरफ तो अलाउड है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और x माइनस a बन गया, इसमें n 10 हो गया और a 5 हो गया। क्या ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया? समझ पा रहे हो सब लोग? बस अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो हो गया n a टू द पावर n माइनस 1, ये सिर्फ ऊपर वाले का हो गया और नीचे हो गया n a टू द पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 बाई 4 तो था ही, 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। आ गया ना सबको? सर समझ नहीं आया सर। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a होता है। हाँ हाँ सर। x पावर n माइनस a टू पावर n तो था, बट अपॉन में x माइनस a तो था नहीं? नहीं था सर। लेकिन नीचे भी यही प्रॉब्लम थी, नीचे भी x पावर n माइनस a टू पावर n था और x माइनस ए नहीं था, तो मैंने ऊपर और नीचे x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब yes. दोनों जगह स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए, ऊपर भी बन गया और नीचे भी बन गया, दोनों में लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी हमने। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सबको आ गया ना? मैं एक दो और ऐसे दे रहा हूँ, आई होप अभी सबको आ जाएगा। ये लिख लिया तुमने? बस एक मिनट, लास्ट लाइन। हो गया सर। चलो मैं 2-3 दे देता हूँ ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, कर लो जल्दी से। लिमिट के बिना नहीं होगा, तो मैं लिमिट लिखी होती है, बाई चांस में लिखना बोल रहा हूँ तो लिख गया।
सर जब पावर बहुत बड़ी बड़ी हो तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे या फिर अगर बड़ा हो तो वैसे छोड़ दें? चलो विचारों कर लो. चलो ये चार क्वेश्चन हमने दिए थे. लेट्स सी पहला क्वेश्चन तो x टू पावर n या 4 टू पावर 6 को 2 टू पावर 12 लिख लेंगे क्योंकि यहां से हम देख लेंगे कि a की वैल्यू 2 है. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ठीक है और डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया n a टू द पावर n माइनस 1. देन सेकंड वाले में हमने पहले क्या था x माइनस 3 से दोनों में ऊपर से डिवाइड कर देंगे और दोनों जगह स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए. ये भी स्टैंडर्ड बन गए और नीचे भी स्टैंडर्ड बन गया. थर्ड वाला अगेन सिमिलर 25 को 5 स्क्वायर लिख देंगे और फिर x माइनस 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे. एक तरीका और है थर्ड वाले के लिए दैट वी कैन फैक्टराइज द डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसको हम x माइनस 5 * x प्लस 5 लिख सकते हैं जैसा यहाँ लिखा है. फिर इतना पार्ट ये स्टैंडर्ड बन गया और जिसकी ये वैल्यू आ गई और हम x प्लस 5 में लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा. और द लास्ट वन ये ट्रिकी होता है थोड़ा. तो यहाँ से नोटिस करो कि यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 3 है, 3 नहीं है. तो हम क्या करेंगे 3 टू पावर 4 को हम माइनस 3 टू पावर 4 लिख सकते हैं एंड देन x प्लस 3 को हम x माइनस माइनस 3 लिख देंगे. तो देखो ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया. यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू माइनस 3 है ठीक है. चलो होमवर्क में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 कर लीजिए.